गुड मॉर्निंग, दिस इज़ सनवी फ्रॉम एवरेज क्लासेस। आज 1 फरवरी 2018 के हिंदी ट्रोल के साथ हाजिर हूँ। प्लीज़ आप हमारे लेक्चर से पहले हमें सब्सक्राइब करें, और हमारे लेक्चर जो हैं वो रोज़ आते हैं, आप प्लीज़ उसे गो थ्रू हो सकते हैं, और जिससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इस लेक्चर को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया। जो पहला है वो वोकेबुलरी सेक्शन, जो हिंदी ट्यूटोरियल के होते हैं। सेकंड वन इज इंग्लिश कम्प्रीहेंशन विद 5 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जो हिंदी ट्यूटोरियल से लिए जाते हैं। 5 एडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड देन द राइटिंग सेक्शन, दैट इज एस राइटिंग सेक्शन। कमिंग टू द फर्स्ट फेज, दैट इज आवर हिंदी ट्यूटोरियल 1, एंड आज जो है इसमें हम पहले फर्स्ट वर्ड जो है आज हमारे साथ वो है इम्प्रोपैरिटी, मीन्स अनौचित्य। ये एक नाउन है, एंड द मीनिंग इज फेल्यूअर टू ऑब्जर्व स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी और मॉडेस्टी, इम्प्रॉपर बिहेवियर और कैरेक्टर। मीन्स कभी कभी जो क्या होती है, इम्प्रॉपर बिहेवियर सर किसी को शो करते हैं, या फिर आपके ऑनेस्टी को आप जो हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं एक तरह से फेल्यूअर हो जाते हैं, तो उस सेंस में जो है हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्रोप्रियरिटी। एंड सिनोम्स आर रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, डिसऑनेस्टी, करप्शन एंड अनसरप्लसनेस। एंड एग्जाम्पल इज ही वॉज आउटरैक्ट एट एनी सजेशंस ऑफ इम्प्रोप्रियरिटी, एंड द एंटेरॉम्स इज प्रायरिटी। एंड द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड, मीन्स प्रस्तुत, प्रेजेंट करना। ये एक वर्ब है, एंड द मीनिंग इज ऑफर और प्रेजेंट फॉर्मली। एंड द सिनोम्स आर पुट फॉरवर्ड, प्रपोज, सजेस्ट, एडवांस, सबमिट। एंड द एंटेनोम इज रफ, मैच्योर्ड एंड ड्राइड। And the example is, he tendered his resignation as leader. Third one is impeachment, means दोषारोपण। जब किसी पे हम लोग मिसकंडक्ट करता है कोई, ऑफिशियली अगर मिस कोई कंडक्ट करता है तो उसे भी हम लोग बोलते हैं दोषारोपण, या फिर किसी के अगेंस्ट में किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं दोषारोपण। इम्पीचमेंट ये एक नाउन है, एंड द मीनिंग इज, आपको बता दो इम्पीचमेंट एक वर्ड है जो बेसिकली जो है वो आर्टिकल 31 में यूज होते हैं आपके IPC के, और वो वर्ड जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज होते हैं। ये एक इसका मीनिंग है, अ चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट मेड अगेंस्ट द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। एंड द सिनोम्स आर इंडिक्ट, चार्ज, एक्विज, प्रोसिक्यूट एंड अरेन। एंड द एग्जाम एंटोनिम इज एक्सकल्पेट, एक्सऑनरेट एंड विंडिकेट। एंड द एग्जाम्पल इज द प्रेसिडेंट इज फेसिंग इम्पीचमेंट ओवर द स्कैंडल। एंड द फोर्थ वन इज क्रॉसपॉन्ड, मीन्स करस्पॉन्ड, सॉरी अनुरूप, मीन्स जब सिमिलर होता है किसी के, या फिर आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली उसी के पैरेलल होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड अनुरूप। ये एक वर्ब है, एंड द मीनिंग इज हैव अ क्लोज सिमिलैरिटी, मैच और अग्री ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। एंड द सिनोम्स आर कोरिलेट, अग्री, कंसिस्टेंट, कंपैटिबल एंड कॉन्ग्रुअस। एंड द एग्जाम्पल इज This ideal model does not correspond to the facts, and the antonym is differ and disagree. Coming to the next word, that is unprecedented, means अभूतपूर्व, ऐसा कभी हुआ नहीं हो और नया कुछ हुआ हो तो उसे हम लोग बोलते हैं unprecedented. ये एक adjective है, and the meaning is never done or known before. And the synonyms are unparalleled, unequaled, unmatched, unrivaled and without equal. And the antonym is normal and common. And the example is the government took the unprecedented step of releasing confidential correspondence. And the next one is cleansed, means shuddh, purity. And the meaning is rid of something unpleasant or defiling. And the synonyms are free, purify, purge, empty, strip, void, relieve. And the example is the mission to cleanse America of subversive. And the antonym is debased, defiled and messed. Coming to the next word, that is unwarranted, means anuchit, means jo authorized nahin hai, not justified hai, usse hum log bolte hain anuchit, jo uchit nahin hai. Ye ek adjective hai, and the meaning is not justified or authorized. And the example is I am sure your fears are unwarranted. And the synonyms are indefensible, inexhaustible, unpardonable, gratuitous and unnecessary. And the antonyms are
जस्टिफाइड परमिटेड एंड लीगल. एट वन इज ऑनस्लॉट मीन्स हमला करना. जब जब हम लोग किसी चीज़ को वॉलेंटली अटैक किसी चीज़ पे होता है या किसी तो उसे हम लोग बोलते हैं हमला करना ऑनस्लॉट. ये एंड द मीनिंग इज लाइक अ वॉयलेंट अटैक एंड द सिनोम्स आर ऑशल्ट ऑफेंसिव अग्रेशन इनकर्सन ट्रेड टाइडेड सॉरी एंड द एंटोनॉम्स आर डिपार्चर एक्सक्यूज जस्टिफिकेशन एंड द एग्जाम्पल इज एन ऑनस्लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज. नाइन्थ वन इज कंबर्शम मीन्स बोझिल. ये एक एडजेक्टिव है एंड द मीनिंग इज स्लो और कॉम्प्लिकेटेड एंड देयरफॉर इनइफिशियंट एंड द सिनोम्स आर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इनइफिशियंट वेस्टफुल अनवाइटली एंड द एग्जाम्पल इज कंबर्सम प्रोसीड्यूर्स एंड द एंटोनॉम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इफिशियंट. टेंथ एंड द लास्ट वन इज फ्लैग्रेंट मीन्स घोर. जब किसी चीज़ में हम लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं आप बोल सकते हैं उसमें ज़्यादा अवर्ट इविडेंट बेसिस पे हो जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैग्रेंट. एक एडजेक्टिव है एंड द मीनिंग इज ऑफ एन एक्शन कंसिडर रॉन्ग और इमोरल कॉन्स्पिशियसली और ऑब्वियसली ऑफेंसिव एंड द एग्जाम्पल इज अ फ्लैग्रेंट वॉयलेशन ऑफ द लॉ एंड द सिनोम्स आर ब्लैटेंट क्लेरियस ग्लेयरिंग सॉरी ऑब्वियस अवर्ट इविडेंट एंड द एंटोनॉम इज अनऑब्स्ट्रक्सिव एंड स्लाइट. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज आवर हिंदू एडिटोरियल सेक्शन एंड आज जो एडिटोरियल है वो आप जस्टिस लॉ को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो हमारे हैं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन है उसे लेकर के बात की गई है. तो आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से चार हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात वहाँ तक रखी थी कि किस तरह से जो हैं उन पे उनके काम उन्हें उनके साथ जो हैं वो थोड़े से जो हैं अनजस्टिस हो रहे थे. तो उस चीज़ को जब वो सामने आई थी तो लोगों को थोड़े से जो विश्वास लोगों के उन पे बन रहे जस्टिस पे हमारे जस्टिस पे जो विश्वास है वो थोड़े से डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं. लेकिन जो ये स्टेप लिया गया है अभी एडिटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टेप लिया गया उससे कहीं ना कहीं हमारे जितने पीपल्स सिटीजन्स हैं इंडिया के उनमें इस डेमोक्रेटिक इंडिया में कहीं ना कहीं विश्वास जो है फिर से बनता हुआ नज़र आ फिर से उतने ही पावरफुल बोल सकते हैं पावरफुल रूप में जो है वो सबके सामने आ रहा है. और विश्वास जो है अभी तक जो बात थोड़े से लग रहे थे डाउटफुल कि कहीं ना कहीं थोड़े से विश्वास डगमगाएंगे वो ऐसा दिखता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है. मैं आपको बता दूं आज का जो एडिटोरियल है उसमें बताया गया है कि जो चीफ जस्टिस हैं आपके अलाहाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर श्री चीफ जस्टिस श्री सॉरी जस्टिस श्री नारायण शुक्ला उनको जो है वो रिमूव करने की बात की गई है उनके पोस्ट से हटाने की बात की जा रही है और जो जस्टिस का प्योरिटी है उसे मेंटेन करने की बात की गई है. इन्हें श्री नारायण शुक्ला को जो है वो दिखाया गया कि वो एक करप्शन में इंडल्ज उन पाए गए हैं और तो इसलिए उन्हें अपने पोस्ट से रिमूव करने की बात की गई है. मैं बता दूँ GCRG मेमोरियल ट्रस्ट में उन्होंने उनके अंडर ही उनके वो हेड कर रहे थे और उन्होंने ही जो है वो अलाउ किया था कि स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए एडमिट स्टूडेंट को एडमिट करने के लिए जिसकी वजह से थोड़े से जो है वो करप्शन में करप्टेड और वो जो है जजमेंट जो था उनका वो थोड़े से मोरल फेवर्स में जो है वो आपके GCRG मेमोरियल के फेवर में था. तो इस चीज़ में थोड़े से देखे गए थे कि कहीं ना कहीं उनका जो है फेवर जो है उनकी तरफ रहा है और वो जस्टिस में कहीं ना कहीं जो है वो क्लैरिटी जो है वो नहीं आ पाई थी और उन्होंने उनका फेवर किया था सारे एविडेंस के अगेंस्ट में. तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दीपक मिश्रा उन्होंने ही नोटिस उनको पिछले साल में ही मिल गया था और उन्होंने अब जो है 3 मेंबर्स के बेंच जो हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑब्जर्व किए हैं और बनाए हैं और वो जो हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे. तो उसके मेंबर जो तीन जो है दीपक मिश्रा उसे हेड करेंगे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं और उनके साथ जो हैं और जो तीन और मेंबर्स हैं उनमें CJI के वो हैं आपके इंदिरा बनर्जी चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो मद्रास हाई कोर्ट से हैं SK अग्निहोत्री जो सिक्किम हाई कोर्ट से हैं और जस्टिस PK जायसवाल जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हैं जो एग्जामिन करेंगे उनके कोर्ट को.
अब हम लोग आते हैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ को आप देख के ले गए हैं कि जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं उसमें वो संलिप्त पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वैल्यू, जो जुडिशियल लाइफ की जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो हैं वो धुंधले पड़ते जा रहे थे। लेकिन ये जो नई ये जो इनोवेटिव स्टेप लिया गया है आप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंट रखने की बात की गई है कि अगर इन हाउस में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे जो है वो उसे करप्शन वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स हैं तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए अगर ऐसे डिसीजंस लेने पड़े तो कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं वो स्टेप बैक नहीं करेंगे, वो ऐसा जो है स्टेप लेंगे और जो है क्लैरिटी के साथ, और आप बोल सकते हैं कि एक क्लीजेंट करने की बात करिए, साफ करने की बात की जा रही है कि अगर ऐसे कंडीशंस आएंगे तो हम लोग जो है पीछे नहीं हटेंगे और इस चीज़ के अगेंस्ट में हम लोग खड़े रहेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे कि जो मेडिकल सीबीआई जो है अगेंस्ट में, मेडिकल कॉलेज के अगेंस्ट में जो कोर्ट में डाली थी, आप बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें ऐसी चीज़ें लाई गई हैं। तो जो इनबाउंड आप देखेंगे कभी कभी जो होता है कि कभी कभी इन हाउस में भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसे हाइड करने की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे हाइड नहीं की जा रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाने की बात की जा रही है, जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी भी दिखने को मिल रही है कि जो बंदा अगर अच्छे तरीके से सॉरी जो जो बंदा अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं जो है डिग्निटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसको जो मेंटेन करने की बात की गई वो सारे लोग उसके अंडर आएंगे और मेंटेन किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो अब मिस्टर शुक्ला हैं, जो जस्टिस शुक्ला हैं, उन्होंने ना तो अपना रिजाइनिंग लेटर दिया था और ना ही जो है उनको रिमूव किया, इसलिए ये स्टेप लिए गए हैं ताकि वो अपने जो हमारा जो जस्टिस पे जो हमारे भरोसा है वो सारा जो है वो खड़े उतरें, और इनबाउंड जो है अगर इन हाउस अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे अंदर ही अंदर दबाने की नहीं बल्कि सारे ओपन वे में सबको क्लियर करने की और साफ करने की बात कही गई है। ये तो हमारे जस्टिस सॉरी लॉज के बारे में जो इंडिया में अभी चीफ जस्टिस के द्वारा आए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है हिंदी ट्यूटोरियल का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन वो आज हमारे साथ है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इम्पीचमेंट, एंड द ऑप्शंस आर ए एक्सक्यूपीट, बी एक्सऑनरेट, सी एक्यूज, डी विंडिकेट, एंड द करेक्ट आंसर इज सी एक्यूज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड अनप्रेसिडेंटेड, एंड द ऑप्शंस आर ए अनपैरेलल्ड, बी कॉमन, सी अनइक्वल, डी अनमैच्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज बी कॉमन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड क्लिंज, एंड द ऑप्शंस आर ए डिबॉस्ड, बी डिफाइल्ड, सी मेज्ड, डी प्यूरिफाई, एंड द करेक्ट आंसर इज डी प्यूरिफाई। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटेंसेज गिवन विद द ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द एलिगेशन डैश सेट ऑफ अ स्टॉर्म इन द जुडिशियरी, एंड द ऑप्शंस आर ए हैज, बी हैव, सी हैड, डी हैज बीन, एंड द करेक्ट आंसर इज सी हैड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द सेंटेंसेज गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज हिज पोजिशन दैट पेव्ड द वे फॉर द सीजीआई टू रिकमेंड हिज रिमूवल, एंड द ऑप्शंस आर ए हैज, बी हैव, सी हैड, डी हैड बिन, एंड द करेक्ट आंसर इज ए हैज। कमिंग टू द नेक्स्ट फेज दैट इज हिंदी ट्यूटोरियल फेज, and the first tutorial that we have sorry idioms and phrases and the first idioms and phrases that we have today is under the knife, meaning under a surgical, and the example is he is under the knife for the removal of tumor, and the second one is life like a knife थ्रू बटर मीन्स वेरी इजली, किसी चीज़ को आप करते हैं बहुत स्मूथली इजली होता है तो उसलिए हम लोग बोलते हैं लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, एंड एग्जाम्पल इज सी गॉट हर वर्क डन लाइक अ नाइफ थ्रू बटर, एंड द थर्ड वन इज अ लेम डक मीनिंग वन हु इज डिसेबल हेल्पलेस इन इफेक्टिव और इन इफिशियंट,
जब कोई डिसेबल्ड होता है, हेल्पलेस होता है, मतलब उसको उसके किसी का मदद वो नहीं कर सकता या फॉर इनएफिशिएंट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अ लेम डक. एंड द एग्जाम्पल इज हिज वाइफ इज़ अ लेम डक. फोर्थ वन इज द लास्ट स्ट्रॉ, मीनिंग एन एडिशन टू अ टास्क विच स्ट्रेन वंस पेशेंस टू द लिमिट. मीन्स आप देख सकते हैं एक जो टास्क आप कर रहे हैं उसमें जो आपका पेशेंस है वो लास्ट मतलब अटेम्प्ट आपका रहेगा, उसे बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ. एंड द एग्जाम्पल इज द लास्ट स्ट्रॉ बिकम द कॉज ऑफ हिज डेथ. एंड द लास्ट वन इज टू पुट द लास्ट हैंड टू, मीन्स टू फिनिश और कंप्लीट. एंड द एग्जाम्पल इज द पेंटर पुट द लास्ट हैंड टू द पिक्चर विद इन द लास्ट 10 मिनट्स. कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज आवर राइटिंग सेक्शन. एंड द टूडेज ऐसे टॉपिक इज करप्शन इन जुडिशरी. आप अगर देखेंगे तो कुछ दिन पहले जो चार जजेस के बेंच चार्जेस जो थे, जिस तरह से वो उन्होंने पीसी करके अपनी बातें रखी थी, कहीं ना कहीं करप्शन की बात उस वक्त उजागर हुई थी, जो कि आज के जुडिशरी हिस्ट्री में हिस्ट्री के जुडिशरी के हिस्ट्री में आज तक ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी. और आज जिस तरह के एक्शंस आज के डेटोले में आप देख रहे हैं, जिस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं आपके मिस्टर शुक्ला को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं तरफ जुडिशरी में अपने पावर्स का मिसयूज हो रहा है और करप्टेड होता जा रहा है. तो इस पे आप जो हैं आप 10 लाइंस जो हैं आप अपने लिखेंगे और मैक्सिमम 250 वर्ड्स में अपने आंसर रेडी करेंगे. अगर आप यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके राइटिंग सेक्शन में जिस तरह से पॉइंट आपको लिखने पड़ते हैं उस पॉइंट्स में ही आपको नंबर मिलते हैं. तो इसके लिए आप पॉइंट्स भी, अगर आप लिखने की हैबिट अगर डेवलप हो जाती है तो बहुत सारे पॉइंट्स आप जो हैं वो कलेक्ट कर पाएंगे और अपने आंसर्स में यूज़ कर पाएंगे. इससे बैंक पीओ के इंटरव्यूज़ वगैरह में भी अगर क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड आता है तो आप ईजिली उसे हैंडल कर पाएंगे. इससे आपके राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं. एज वी नो कि अगर जितना ज़्यादा आप लिख पाएंगे उतना ज़्यादा ही राइटिंग स्किल, वर्ड्स के यूजेस, इस सारी चीज़ें आपकी क्लैरिटी के साथ क्लियर हो पाएंगी. ठीक है, इसमें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप जो जितने भी एडिटोर जैसे कि हम लोग जिस पर डे जो एडिटोरियल डिस्कस करते हैं उस एडिटोरियल को आप जो आपके स्क्रीन पे आते हैं प्लीज़ आप उसे रीड लाउड करें. ठीक है, लाउडली उसे जब पढ़ते हैं एडिटोरियल पेज को या फिर किसी चीज़ को किसी भी बुक्स को आप जो है वो थोड़े से तेज से पढ़ें. और जिस वर्ड पे आप थोड़े से आपको डाउट होते हैं प्लीज़ उसे अंडरलाइन करके थ्रू डिक्शनरी या फिर आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं उस वर्ड्स को, और हम लोग जो है उसके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग करेंगे और उसको हम लोग जो है करेक्ट करने की बात करेंगे. प्लीज़ आप अपने सजेशंस भी हमें ज़रूर लिखें कि ये सारी चीज़ें चेंजेस होनी चाहिए. तो इससे क्या होगा कि अगर आप रीड लाउड करते हैं उससे प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होंगे. तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखें, हमारे कमेंट बॉक्स में डालें और हम आपके सजेशंस का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे. हमारे यहाँ 7 डेज के फ्री डेमो क्लासेज अवेलेबल है SSC बैंक के लिए जो सुबह 8 से 10 चलती हैं. तो प्लीज़ आप हमें यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा एड्रेस है Everest Classes, opposite AIN College, Boring Road, Patna. Everest Classes, opposite AIN College, Boring Road, Patna. And you may also contact us on 7279845076, 7279845076. And you may our next number is 7004154803, 7004154803. Thank you for watching this video. Please subscribe Everest Classes for latest update.